गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं एमबी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम 12 अक्टूबर की प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के एटीएस प्रमुख बने हैं। तो हाल ही में आतंकवादी निरोधी जो दस्ता है महाराष्ट्र का, उसका प्रमुख किसे चुना गया है? अजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, जयजीत सिंह। तो किसे भैया चुना गया है? तो जयजीत सिंह जो सी ऑप्शन है, इन्हें महाराष्ट्र का एटीएस चुना गया है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। चल डिप्टी सीएम कौन है कमेंट में लिख कर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? ए रूस, चीन, भारत, अमेरिका। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन आपका भारत करता है। कौन करता है देश? भारत करता है। लगातार ऐसा हुआ है, पांचवी बार की गिरावट भी दर्ज की गई है भारत के पिछले वर्ष की अपेक्षा, लेकिन फिर भी ये दुनिया में सबसे अधिक सल्फर का उत्पादन करता है। तो पहले स्थान पर कौन है? भारत है। दूसरे स्थान पर आपका सल्फर उत्पादन में रूस है, और तीसरे स्थान पर सल्फर का उत्पादन कौन करता है? तो चाइना करता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका SO2, ये वायु प्रदूषक होता है। इससे मस्तिष्क आघात, हृदय रोग, फेफड़े के कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से ही अम्ल वर्षा भी होती है, जिससे ताजमहल जो है बदरंग हो रहा है, क्योंकि ये मथुरा में जो रिफाइनरी लिखी है लगी हुई है, वहाँ से सल्फर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो चलिए इसको याद रखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है, इसके बाद रूस, और इसके बाद चाइना का स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है फोर्ब्स, जो रिच लिस्ट जारी करती है भारत की, उसमें सबसे धनी व्यक्ति किसे घोषित किया गया है? तो मुकेश अंबानी को फोर्ब्स रिच लिस्ट इंडिया में सबसे धनी व्यक्ति घोषित किया गया है। ये 13वीं बार है जब इन्हें भारत का सबसे धनी व्यक्ति घोषित किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि ये 13वीं बार इन्हें लगातार भारत का सबसे धनी व्यक्ति घोषित किया गया है, और इनकी संपत्ति 28.7 बिलियन डॉलर बकाई गई है। कितनी है? 88.7 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। दूसरे स्थान पर आपके गौतम अडानी रहे हैं, तीसरे स्थान पर शिव नाडर रहे, और चौथे स्थान पर आपके राधा किशन दमानी, इनका पूरा नाम है। तो पहले में मुकेश अंबानी, दूसरे में गौतम अडानी, तीसरे में शिव नाडर, और चौथे में राधा किशन दमानी है। बिल्कुल क्रम से लगे हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। ये रिपोर्ट फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सेवा, ये डिजिटल नहीं है, आप इसे डिजिटल पढ़ लीजिएगा, डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर हुई है? गुजरात में हुई है। गुजरात की राजधानी व सबसे बड़ा नगर, तो राजधानी आपकी गांधीनगर है, जबकि सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यहाँ का अहमदाबाद सबसे बड़ा नगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो भैया विधानसभा की 182 सीटें हैं, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। गुजरात के दक्षिण में एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली स्थित है। याद रखिएगा कौन सा? दादर नगर हवेली गुजरात के दक्षिण में स्थित है। हाल ही में गुजरात में रण उत्सव एवं उगादी उत्सव भी मनाया गया है। कौन सा उत्सव मनाया गया था? रण उत्सव एवं उगादी त्यौहार भी मनाया गया था। इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका सागर कवच सैन्य अभ्यास हुआ है, तो सागर का सैन्य अभ्यास जो है वो किसके मध्य हुआ है? क्वेश्चन पूछा गया है, सागर कवच सैन्य अभ्यास वायुसेना, जलसेना, थलसेना और सभी ने संयुक्त रूप से किया है। तो इसे नौसेना द्वारा हाल ही में आयोजित किया गया था, सागर कवच सैन्य अभ्यास को। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान समय में? तो करमवीर सिंह नौसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं।
हाल ही में इसे केरल, पांडिचेरी और कर्नाटक के यानी अरब सागर वाले क्षेत्र में इसका 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया गया था नौसेना द्वारा। तो सागर कवच नाम दिया गया है इस सैन्य अभ्यास को, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किसने शुरू किया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर दिल्ली ने? तो बिल्कुल सही आंसर है, दिल्ली ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं आप पार्टी के, जबकि वहां के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। कौन है? अनिल बैजल हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो इसे 3 ओर से किसने घेर रखा है? हरियाणा ने इसको 3 ओर से घेर रखा है, जबकि इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। महाभारत काल में इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली शहर की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने की थी। यमुना नदी के तट पर स्थित यह आपका राज्य, बड़खड़ झील यहाँ पर भी स्थित है। हाल ही में क्वेश्चन आया था पीसीएस में, कल ही पूछा गया था बड़खड़ झील कहाँ है, तो बड़खड़ झील आपकी दिल्ली में ही स्थित है हरियाणा बॉर्डर पर। हिंडन नदी गाजियाबाद को दिल्ली से अलग कर देती है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा। 1956 में आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना। कब बना? तो 1956 में इसे टेरिटोरी प्रदेश में घोषित कर दिया गया, तो आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। तो यहाँ की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70। और इसका गठन कब हुआ? 1991 में हुआ था और संशोधन 69वां संविधान संशोधन हुआ था। 1 फरवरी 1992 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया, यानी NCR घोषित किया गया। हाल ही में यहाँ पर कुछ योजनाएं और शुरू हुई हैं। लोकसभा की यहाँ 3 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट योजना डेंगू के लिए भी यहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये पॉइंट्स आप दिल्ली से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किसने शुरू की है? हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश? तो इस योजना को शुरुआत किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। किसने की है? उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। उत्तराखंड जो है आपका 1 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर उत्तरांचल नामक एक नया राज्य बना। उत्तराखंड की राजधानी व सबसे बड़ा शहर देहरादून है। वर्तमान समय में यहाँ के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह यहाँ रावत यहाँ के सीएम है। राज्यपाल की अगर बात करें तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं, आप याद रखिएगा इसको भी। विधानसभा की 71 सीटें, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल यानी उत्तराखंड में ही स्थित है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। भारत का सबसे फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। यहीं पर चिपको आंदोलन चलाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन भी चलाया गया था। एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है यहाँ पर राजा जी, उसे भी आप याद रखिएगा, राजा जी अभ्यारण्य। और गोविंद पशु विहार यहाँ पर स्थित है। इसका उच्चतम न्यायालय नैनीताल में स्थित है और इसकी प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? इसकी प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण है। मतलब आपकी नैनीताल देहरादून अस्थायी राजधानी है और हाल ही में कहाँ पर प्रस्तावित है? तो गैरसैंण में इसकी राजधानी प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट एजुकेशन लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य था और देश की पहली आईटी हिंदी प्रयोगशाला भी यहीं पर है। हाल ही में शुरू की गई कुछ योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, तीनू रौतेली पेंशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, फूलदेई त्यौहार मनाया गया था, होप पोर्टल भी इसी ने शुरू किया था हाल ही में। कौन सा पोर्टल? होप पोर्टल शुरू किया था। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना है भैया, सौर छूट गया इसमें, इसे आप मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना समझिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को रोजगार प्रदान करना,
तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो कौन सा मनाया गया है? विश्व शिक्षक दिवस। चलिए तो कौन सा मनाया गया है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस तथा विश्व पक्षी दिवस दोनों ही 10 अक्टूबर को मनाए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एक्सेस, जबकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। क्या थीम थी? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है और विश्व हृदय दिवस भी आपका 5 अक्टूबर को मनाया गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल किस DRDO द्वारा हाल ही में कौन सी विकसित है? तो देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का विकास DRDO द्वारा किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, देश की पहली स्वदेश निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसका नाम क्या है? DRDO ने इसे बनाया है, विकसित किया है। रुद्रम, शिवा, वज्र था, या इनमें से कोई नहीं, तो रुद्रम नामक हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। ये आपकी एयर टू सरफेस मार करती है, हवा से सतह में मार करने वाली आपकी मिसाइल है। इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। DRDO की बात करें तो DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई? 1958 में हुई, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष G. Satish Reddy हैं। कौन है? G. Satish Reddy वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हर घर जल वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो गोवा ने हर घर जल योजना को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है यह लक्ष्य। यह पहला राज्य भारत का बन गया है। हाल ही में भारत ने 2019 में जल जीवन एक मिशन कार्यक्रम शुरू किया था। कौन सा मिशन? जल जीवन मिशन या प्रोजेक्ट जल जीवन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य 2024 तक, कब तक भैया? 2024 तक प्रत्येक राज्य में पेयजल उपलब्ध कराना था। लेकिन गोवा ने इसको 2021 में रखा था, लेकिन 20 में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो इम्पोर्टेंट है, गोवा ही एकमात्र आपका राज्य है जहां पर आर्टिकल 44 लागू है, समान सिविल। तो चलिए अगला है, शुक्र मिशन इसरो कब लॉन्च करेगा, जिसका सहयोगी फ्रांस बना है? अच्छा क्वेश्चन है। 2025 में इसरो ने घोषणा की है कि वह शुक्र मिशन लॉन्च करेगा, और इसमें फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी उसकी सहयोगी है। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई? 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय बंगलौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगलौर में। और के सीवान इसके प्रमुख हैं। कौन है इसरो के प्रमुख? तो के सीवान इसरो के प्रमुख हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल मिलते हैं कल की प्रमुख घटनाओं के साथ। आप इसका डिस्क्रिप्शन से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी PDF। चलिए कल क्लास बंद करते हैं तो कहाँ 5 मिनट पहले बंद कर देते हैं, फिर लेक्चर देते हैं। 15 मिनट तो ऐसे निकल गए। नहीं नहीं यार, 15 मिनट का तो वीडियो हो आगे तब मान कर दूँ बोल रही हूँ। बहुत पढ़ाई है, कौनों कौनों ज़्यादा करा थे एग्जामपुर वाले ज़्यादा बकवास करते, कौनों कौनों सीधा शुरू हो जाते खत्म हो जाते क्लास सब बंद कर देते 10-5 मिनट बताएं, डाटा जाता था कौनों कौनों उनका, कौनों कौनों टॉपिक है खातिर टाइम ही नहीं आता कौनों कौनों उनका। तो हम देख सकते हैं GS वर्ड वाले में टीचर आ जाएगा, टीचर पढ़ाते रात गए तो आधा अधिकतर रुक जाइए सर 10-5 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं।